हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सातिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ कार्ड। दो पायल्स हैं मेरे पास यहाँ पे, चिकी पायल पायल वन और सेकंड पायल है बियर पायल। सो आपको जो भी पायल चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि अगर एक स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आपकी बातचीत शायद नहीं हो रही, चाहे न्यू कम्युनिकेशन में हो या काफ़ी टाइम से वैसे आपकी बात नहीं हो, और आप जानना चाहते हो कि क्या आप उसको मैसेज करो या आप उसे रीच आउट करो या आप उसको कॉन्टैक्ट करो या फिर नहीं, या आपके लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि आप उसके मैसेज का या उसकी कॉल का या उसकी तरफ से इनिशिएशन का वेट करो। तो ये रहेगा हमारा टॉपिक इस रीडिंग का। तो हम जानेंगे कि क्या आपको उसको मैसेज करना चाहिए, हाँ या ना। तो मेरे पास यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स भी है और साथ में हमने एक कार्ड पुल आउट किया जिससे हमें थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी अराउंड जो भी आंसर आता है, हाँ आता है या ना आता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें उस एक्स्ट्रा कार्ड से जो कि मैंने इस वाले डेक से यूज़ किया है, सो वो हमें पता चलेगा कि एडिशनल गाइडेंस क्या है आंसर के हिसाब से, यस है या नो है, और जो भी उसमें है आंसर उसके अकॉर्डिंगली एडिशनल गाइडेंस क्या है। दो पायल है, चूज़ कर लो, चिकी पायल करना है या फिर बियर पायल चूज़ करना है। आप दो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पायल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक के लिए कभी भी दोनों पायल्स चेक नहीं किया करो। यार रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कराऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग से भी फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग पायल चिकी से, देखते हैं जिन लोगों ने चिकी पायल चूज किया क्या आपको आपके पर्सन को मैसेज करना चाहिए, हाँ या ना। पहले स्टार्ट करते हैं आंसर से, देखते हैं आंसर क्या है, उसके बाद फिर हम ओरेकल कार्ड और एडिशनल गाइडेंस देखेंगे। लेट्स सी, क्या आपको उस इंसान को मैसेज करना चाहिए, हाँ या ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एडिशनल गाइडेंस, सिक्स ऑफ वांड्स। नहीं, फिजिकल मैसेज नहीं। अगर आप चाहो तो आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो एज अ कि जो भी आप जस्ट इमेजिन कि जैसे आप एक जर्नल लेते हो, जर्नल के ऊपर आप स्क्रिप्ट करो कि आपने उस इंसान को ये मैसेज किया, जो भी इसका नंबर है। अगर आप फेक करना चाहो तो आप फेक भी कर सकते हो, जैसे एक अपने ही नंबर से आप ऐसे मैसेज करो खुद को जहाँ जैसे आपने अपने पर्सन से बात की, और या आप एक रिटर्न में भी लिख सकते हो अगर आपके पास फ़ोन में इस तरह की आप नहीं कर सकते हो, तो अगेन जर्नल कर सकते हो, स्क्रिप्ट कर सकते हो कि आपने उससे मैसेज किया, उसने आगे से ये रिस्पॉन्स किया और इस तरह की चीज़, या फिर अगर आप मेडिटेशन में जाके विजुअलाइज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। दोनों जो है दोनों चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, लेकिन आपने फिजिकल एक्शन उस इंसान की तरफ नहीं लेना। वाई? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम आप उस इंसान को लेने दो और वो खुद आपको रीच आउट करे और खुद आपसे आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, तो उसमें आपके लिए भलाई है, उसमें आपके लिए जो आप चाह रहे हो इस कनेक्शन में रहते हुए वो आपको मिलने के ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं। तो अगर आप राइट ना चाहते हो कि वो आपको मैसेज करे या आपका दिल करे कि आप उसे रीच आउट करो, तो मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ आपके लिए राइट टाइम है कि आप उसे मैसेज करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहो तो नॉन फिजिकल वे में आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे आप टेलीपैथिक मैसेजेस सेंड करो, चाहे विजुअलाइजेशन करो, चाहे स्क्रिप्टिंग करो, हाँ जो भी आपके माइंड में एक है कि आपने उसे कहना है या बात करनी है, या जो अगर आप चाहते हो कि वो इनिशिएट करे कम्युनिकेशन, तो मेक श्योर कि आप उस हिसाब से मेडिटेशन करो, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन इस इंसान को रीच आउट करना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू राइट नाउ। लेकिन अगर आप विजुअलाइजेशन करोगे और उसके अंदर से मैसेज रिसीव करना चाहोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ब्रिलियंट आइडिया, योर आइडिया इज डिवाइनली गाइडेड, प्लीज टेक एक्शन टू ब्रिंग योर आइडिया टू फ्रूशन। अगेन, जो आपका आइडिया है ऑफ सेंडिंग अ नॉन फिजिकल मैसेज, वो इट्स मोर अबाउट दैट आइडिया। आपका मैसेज करना उस इंसान को, दैट्स नॉट द ब्रिलियंट आइडिया राइट नाउ। ब्रिलियंट आइडिया ये है कि आप इसको नॉन फिजिकल वे में रीच आउट करो एंड उसके बाद अपना फ्रूशन जो आप चाहते हो, डिजायर कर रहे हो, इसका आउटकम जो डिजायर कर रहे हो उसका आपको फ्रूट मिलेगा। अगेन, फिजिकल एक्शन नो, मेंटल एक्शन यस। मेंटल एक्शन लो और कम्युनिकेट करो जैसे आप करना चाहते हो, और जो भी आप रिस्पॉन्स इस इंसान से एक्सपेक्ट करते हो मेक श्योर कि आपको क्लियर कट पता हो कि आप क्या चाह रहे हो। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप उसे रीच आउट कर रहे हो या अगर आप चाह रहे हो कि वो आपको रीच आउट करे, तो व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू हियर? आप क्या सुनना चाहते हो अपने पर्सन से, कि मैंने आपको मिस किया या आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको रीच आउट करूँ बट देन मुझे लगा कि
शायद ये परफेक्ट टाइम है, सो मैंने आपको मैसेज किया है, वट एवर जो भी आप उससे बात करना चाह रहे हो, जिस वजह से भी आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई और जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या सुनना चाहते हो आप अपने पर्सन से, विजुअलाइज दैट। अगर आप सोच रहे हो कि आप फ़ोन पे उससे बात करो या वो आपको फ़ोन पे कॉल करे, तो आप उस तरह से कन्वर्सेशन उसके साथ जो है मेंटल कन्वर्सेशन आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा करोगे ऑन डेली बेसिस, एक टाइम पे करना चाहते हो, दो टाइम पे करना चाहते हो, लेकिन आपने इस तरह से करना है जैसे आपने जब उससे बात की तो आपको इतनी रिलैक्सेशन या सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए जैसे कि आपने ऑलरेडी बात कर ली है। जब वो फीलिंग में आप आ जाओगे तब ये आपकी रियलिटी बनेगा। अगर आप बात कर लेते हो और आप फिर फ़ोन चेक करते रहते हो कि अभी तक तो उसका मैसेज नहीं आया, अभी तक तो उसका मैसेज नहीं आया, तो ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब द मोमेंट यू हैव द कन्वर्सेशन, देखो अगर आपकी रियल में उस इंसान से बात हो जाएगी तो क्या फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे, फ़ोन नहीं चेक कर रहे होगे, आपको पता होगा कि हाँ अब बातचीत नॉर्मल शुरू हो गई है, तो आप इजी होगे, वो भी इजी होगा, तो आपके अंदर वो वाइब होनी चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, वो पीस होना चाहिए फ्रॉम विदिन कि जैसे कि ऑलरेडी आपने बात कर ली है। जैसे अक्सर आपका अगर सपोज आपका झगड़ा हुआ है आपके पर्सन से और आपकी आदत है कि यू हैव टू पुट इट आउट देयर कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी क्या नहीं लगी, अगर आपने कभी ऐसा किया हो तो आपको पता होगा कि स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है और आपने राइट डाउन किया है एक लंबा सारा मैसेज, एंड देन आप वो मैसेज सेंड करो या ना करो, आपको एक अच्छी फीलिंग ऑलरेडी आ चुकी होगी। अगर स्पेशली अगर आप एक्सप्रेसिव हो तो आप वो सेंड करो मैसेज या नहीं करो, लेकिन यू हैव पुट द वाइब आउट देयर और आपको अंदर से अच्छा फील होगा। सेम गोज जब आप किसी चीज़ को लेकर अपसेट होते हो या अगर आप किसी चीज़ को लेकर बुरा फील कर रहे हो, जब आप किसी से शेयर करते हो तो यू फील लाइट। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो आप अंदर फील कर रहे हो तो यू हैव लेट इट आउट, जब आप वो कर देते हो तो यू रिलैक्स। सेम गोज यहाँ पर, जब आप इससे बात कर लोगे तो वो बात वो ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि हाँ आपकी बात हो गई, तो सारा आपको पॉजिटिव लगना शुरू हो जाएगा। तो वो एनर्जी जितना ज़्यादा आप यू नो प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जल्दी वो आपकी रियलिटी में बन जाएगा। सो ये आइडिया कि आप मेंटल कन्वर्सेशन अपने पर्सन से करो, दिस इज़ गोइंग टू वर्क यू, वर्क वेल फॉर यू। और ये एक्शंस आपने लेना है, कोई भी नॉन फिजिकल कोई भी फिजिकल एक्शन आपने नहीं लेना, नॉन फिजिकल एक्शन आपने लेना है ताकि आपके पर्सन के जहन में दिमाग में आप छाए रहो, वो उन मैसेजेस को पिक करेगा, यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, सो वो आपको हेल्प करेगा। बट येस, रीच आउट करना ऑन फिजिकल प्लेन नो, दैट्स नॉट एडवाइजेबल। सो यार ये थी रीडिंग जिन लोगों ने जिकी पाइल चूज किया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। जिन लोगों ने बियर पाइल चूज किया, देखते हैं कि आपका क्या मैसेज क्या आंसर है, क्या आपको आपके पर्सन को रीच आउट करना चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। एट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, द मैजिशियन। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओहो मैं अगर मैसेज नहीं करूँगा या करूँगी तो पता नहीं क्या हो जाना है, यू नो आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि जैसे सपोज अगर आपने उसे मैसेज नहीं किया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, शायद वो आपको भूल जाएगा, शायद वो ये हो जाएगा, शायद वो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना ऐसा। इस मॉल है कि आपको पता होना चाहिए कि वो मैसेज करेगा आपको, आपका ये बिलीफ होना चाहिए कि मैंने बात नहीं की तो वो चैन से रह नहीं सकता आपके बगैर, जो भी आपका पर्सन है लड़का है या लड़की है, तो ही और शी हैज़ टू मैसेज यू। और आपको पता है कि ये मैसेज आएगा, आपको बिलीव है, आपको यकीन है कि आपका पर्सन जैसा इंसान चाहता है वो सिर्फ आप ही हो पूरी दुनिया में। सो वो बिलीव रखना और पॉजिटिवली यू नो वेट करना, पेशेंटली वेट करना, नोइंग कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा, वो है आंसर इसका। सो क्या आपको मैसेज करना चाहिए आपके पर्सन को? नो, आपने कोई एक्शन नहीं लेना आपके पर्सन की तरफ, ना मेंटल ना नॉन यू नो ना फिजिकल। आपने बेसिकली यू जस्ट नीड टू रिलैक्स। आपके जहन में थोड़ा बहुत जो है फियर आएगा कि कहीं आपका पर्सन किसी और के साथ ना हो जाए या वो आपको भूल ना जाए, ये सिर्फ आपके फियर हैं, आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलेगा जिसको आपने शटअप कॉल देनी है एवरी टाइम यू हैव दैट कमिंग अप। आपने फौरन एक पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करनी है जिसमें आपने अपने आप को बताना है और बल्कि सोचना है लास्ट मोमेंट जब लास्ट टाइम जब उसने आपसे कुछ अच्छा कहा हो कि जैसे यू नो दैट पर्सन लव्स यू, तो वो क्या फीलिंग थी, आपने उस फीलिंग को वापस रीलिव करना है। सो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मेंटली थोड़ा ब्लॉक करेंगी और आपको नेगेटिव फीड देंगी कि नहीं आपका पर्सन शायद कहीं और चला जाएगा या किसी और से शादी हो जाएगी या मूव ऑन कर जाएगा, आपको भूल जाएगा, लेकिन दैट्स गोना बी मोमेंटरीली थॉट, वो भी आपके अपने फियर्स जो हैं वो आपको फील करवाएंगे, लेकिन आपने मैसेज नहीं करना पर्सन को, पर्सन खुद रीच आउट करेगा आपको। और लेट्स सी एडिशनल गाइडेंस क्या है। इस इंसान के दिल में जितनी देर आप अपने आप को दूर रखोगे और इस बिलीव के साथ कि वो आपको ही प्यार करता है और जो आप उसको देते हो वो कोई और उसको नहीं दे सकता, वो आपसे उतना ही कनेक्टेड है जितना आप कनेक्टेड हो, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया, आपका अपना अपने आप को लेकर पॉजिटिव रहना,
आपका अपने आप को लेकर ये सोचना कि यू आर द एम्प्रेस और आपका पर्सन जो है उसको एम्प्रेस के बगैर कुछ और चाहिए ही नहीं है। अगर आप लड़का हो तो आप सोचोगे कि आप एम्प्रेयर हो और आपका पर्सन जो है वो उससे सेटल इन फॉर लेस करना ही नहीं है, उसको सिर्फ आप ही चाहिए, सिर्फ आपके पास ही वो आएगा। जो भी ब्लॉक है राइट नाउ, जो भी आप दोनों के दरमियान में है, आपको उसके ऊपर कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। यू नीड टू बिलीव एक चीज़ कि आपका पर्सन सिर्फ आपका है, उसके दिल में सिर्फ आपके लिए ही प्यार है, उसके दिल में सिर्फ आपके लिए ही फीलिंग्स है, उसके दिल में आपके लिए ही वो जगह है जो किसी के भी लिए हो सकती है इन लव लाइफ। तो ये बिलीफ आपका जो है ये इंस्टॉल करना और इस पर फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको कभी कभी फियर होगा कि पता नहीं आप बात नहीं करोगे, आप अगर यू नो हो सकता है कि आपने आपके आप आपको लगना यू नो ये लगना शुरू हो जाता हो कि शायद उसको कोई और अच्छा मिल सकता है। तो वो चीज़ें आपने नहीं सोचनी। जो भी ब्लॉक्स हैं आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसके ऊपर वर्क करो। अपने अपने आप को बताना कि आप कितना वर्दी हो, वो कितना ज़्यादा आपको ही चाहता है और वो हर वो चीज़ करने के लिए रेडी है जो आपको विन कर जाए वो दोबारा से। सो वो फीलिंग, वो थॉट आपकी अगर होगी तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैसेज आएगा और आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने पर्सन की तरफ। हाँ, आपके मेंटल ब्लॉक्स आपको या फियर्स आपको कहेंगे कि टेक एक्शन, कहीं वो आपको भूल ना जाए, यू नो, लेकिन नहीं, आपने उसकी बात नहीं सुनी। जो आपके जो फियर्स हैं, जो आपके यू नो बाय बाय करके बोलेंगे आपसे, आपने उसको नहीं सुनना। यू नीड टू नो कि आपका पर्सन, वो आप जैसे आप उसके बगैर सोचते हो कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, आपने सोचना है कि आपका पर्सन भी आपके बगैर नहीं रह सकता। सो अगर आपका दिल कर रहा है उसको मैसेज करने का, तो उसका भी उतना ही दिल कर रहा है। तो क्योंकि आप चूज़ कर रहे हो कि आप मैसेज नहीं करोगे, तो आपका पर्सन आपको लूज़ करना रिस्क नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, आपकी तरफ एक्शन लेगा। और आप क्या करोगे, आप वेट करोगे उस टाइम का पॉजिटिवली, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता, तो आप उस वो आपको मैसेज करेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपके पर्सन को तो यकीन है कि आप उसके हो, तो आपको यकीन क्यों नहीं है कि वो आपका है? यू नीड टू इंस्टॉल द सेम बिलीफ जो उसको आपने दिया है, आप अपने लिए भी वही फील करो कि उसको भी पता होना चाहिए कि यू नो जैसे आप उसकी तरफ भाग के जाते हो, दिस टाइम ही या शी हैज टू कम टू यू। तो वो चीज़ करने के लिए आपका अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस होना, अपनी दुआओं पे कॉन्फिडेंस होना, अपने यकीन पर कॉन्फिडेंस होना कि हाँ, जो आप चाह रहे हो, जो डिज़ायर करो, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो रंग लाएगी, आपको रिजल्ट मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी नेगेटिव थॉट आपने नहीं सोचनी और कोई भी एक्शन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर आप इस इंसान की तरफ एक्शन लोगे, वो आप बेसिकली क्या करोगे, यू आर गोइंग टू फ्लैप योर विंग्स के वो आपको अटेंशन दे। अभी आपको अटेंशन अगर फॉर मोमेंटरली जो है वो अगर वो दे भी देता है, तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। सो राइट नाउ आपने सुकून करना, रिलैक्स करना, अपनी लाइफ में बिजी रहो, एंजॉय करो और लेट दिस पर्सन कम फॉरवर्ड, वो खुद आएगा, आपको मैसेज करेगा। सो चाक्रा क्रिएट, कॉल अपॉन मी टू क्लियर एंड ओपन योर चाक्रास यूजिंग सेक्रेट ज्योमेट्रिक शेप्स। सो काफ़ी हद तक बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक तो नेगेटिविटी जो है उसको रिलीज करो, प्लस इंस्टिल पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ। शावर लो अच्छे से, बाथ लो, अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ करना चाहते हो शावर लेते हो वो कर सकते हो, अगर आप कैंडल्स यूज़ करना चाहते हो टू क्लियर यू नो क्लेंस आउट योर नेगेटिव एनर्जी वो कर सकते हो। कोशिश करो कि वाटर बॉडी के पास टाइम स्पेंड कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो यू कैन ऑलवेज टेक यू नो लॉन्ग बाथ्स, एनर्जी को क्लियर आउट करो। कोई भी नेगेटिव, जब आप शावर लेके या बाथ लेकर निकलो तो आपकी एनर्जी बहुत लाइट होनी चाहिए, जैसे कि आपको जस्ट इमेजिन लेकिन जब आप शावर लेने जा रहे हो या अगर आप वाटर बॉडी के पास हो, जैसे समुंदर पे, रिवर पे, पूल पे, जो भी आपको क्लोजेस्ट या फिजिबल आपके लिए है, अगर आप कुछ भी ऐसा चूज़ करते हो या अगर आप नेचर में भी आउटसाइड लाइक यू नो इन द गार्डन या कहीं पे भी जहाँ पे आप कनेक्ट कर सको यूनिवर्स के साथ, जब आप ऐसे किसी भी जगह पे जाते हो और आपको आप ऐसे यू नो फील करो जैसे पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स जो है वो आपको हेल्प कर रही है गेटिंग व्हाट यू वांट, तो आप कैसा फील करोगे? आपके अंदर ब्लॉक्स नहीं आएंगे, आप इतना रिलैक्स फील करोगे जैसे किसी ने आपके सर से बोझ उतार दिया हो, टेंशन उतार दी हो, एक यू नो बर्डन उतार दिया हो। तो वो फीलिंग आपको होनी चाहिए जब यू आर डन विद द शावर, व्हेन यू आर डन विद द बाथ। जब आप इस फीलिंग में होगे तो आप मैजिकली जो भी आप चाह रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, वो अट्रैक्ट करोगे। अगेन अपने ऊपर कोशिश करो कि अगर आपके कोई मेंटल ब्लॉक्स हैं लुक्स को लेके, अदरवाइज भी अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन शायद किसी और में इंटरेस्टेड हो जाएगा, ये थॉट तो आपने अपने जहन से निकाल देनी है। अगर आप उससे शादीशुदा होते हो, अगर आपकी उसकी शादी हो चुकी होती, तो क्या आप फिर भी इस तरह का सोच रखते? अगर रखते तो बहुत ही यू नो एक स्टूपिड चीज़ है, बट नहीं होना चाहिए। आपको इतना यकीन खुद पे, खुद के प्यार पे होना चाहिए कि आपका पर्सन जैसे
आपको लगता है कि आप किसी और को प्यार नहीं कर सकते, तो आपके सामने ये क्यों नहीं आता कि आपका पर्सन भी किसी और को प्यार नहीं कर सकता? यू नीड टू इंस्टॉल दैट बिलीव ना, तो वो करो और लेट दिस पर्सन कम. आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएगा. सो यार, ये थी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलो, डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर, बाय बाय.